बीते दिनी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां चोणां दौरान बुलाई गई बैठक च मैंबर आपस विच ही भिड़ गए। गुरुद्वारा रकाबगंज विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सामने कई मैंबर एक दूजे नूं भला बुरा कहिंदे होए आपस विच हथो पाई तक पहुंच गए, जो कि गुरु मर्यादावां दे सख्त खिलाफ है। एक तरह नाल गुरुद्वारा साहिब दियां चोणां पंजाब लई कैंसर बन चुकियां ने। साबका MP तरलोचन सिंह ने अपने यह विचार सांझे किए ने। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा साहिबाना की प्रधानगी मानवता की सेवा की बजाय महज प्रधानगी की कुर्सी की लड़ाई बन के रह चुकी ने। जिमें कल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोणों दौरान सोशल मीडिया राही सब के सामने आया। साबका MP उगे लेखक तरलोचन सिंह ने अपने विचार सांझे करदिया कहा कि सिख धर्म ही गुरद्वारा कमेटी दोणों होंदिया ने। संसार के किसी भी धर्म अजिहा रिवाज नहीं तोरिया गया। हालांकि दुनिया विच किसी भी धर्म के मंदिर या मस्जिद की गल कर लईए जिहड़े धार्मिक स्थानों पर सब तो ज़्यादा चढ़ावा चढ़दा है, जिवें हिंदुओं के धार्मिक स्थान त्रिपुरा नैणा देवी मंदिर का हवाला दिंदिया उन्होंने कहा कि उत्थे सब तो ज़्यादा चढ़ावा चढ़दा है, फिर भी कोई इलैक्शन नहीं। इस तो इलावा त्रिलोचन सिंह ने कहा कि जेकर गुरुद्वारा साहिब दियां चोणां करवाउणियां ही ने तां इलैक्टर कॉलेज होने चाहिए ने, ना कि पार्लीमेंट्री सिस्टम। वह कहिंदे ने कि चोणां दौरान हरेक पिंड विचों सिंघ सभावां गुरसिख बंदा भेजण तां किसी हद तक सुधार आ सकदा है, नहीं तो 100 दी इक है अपने अमीर सिख विरसे दा इस तरह नाल मजाक बनाउणा बंद कर दवो, क्योंकि जब तक गुरुद्वारा साहिब दी बॉडी नूं इलैक्शन सिस्टम नाल जोड़ोंगे ग्रुपबाजी भी होवेगी ते लड़ाई भी। पर जेकर यह कमेटी दियां चोणां करवाउण वाले सोचदे ने कि सेवा होवेगी तां बस भुल जाओ। चढ़दी कला टाइम TV ब्यूरो रिपोर्ट।